हरियाणा के फरीदाबाद में गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया है। ऐसे में बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। ऐसे में इन दिनों फरीदाबाद के बल्लमगढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों में सबसे ज्यादा उल्टी, दस्त, चक्कर के मरीज आ रहे हैं। बता दें कि वहीं बल्लमगढ़ सिविल अस्पताल डॉक्टर HMO डॉक्टर TC गिडवाल के अनुसार एक दिन में लगभग 50 से 100 मरीज अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। गर्मी के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का सितम लगातार जारी है, वैसे वैसे मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। और साफ तौर पर लोगों से अपील करते हुए डॉक्टर ने कहा है कि जरूरी काम हो तो अपने घर से बाहर निकलें और सिर पर कपड़ा डालकर निकलें। बच्चे और बुजुर्ग घर से बेवजह धूप से बाहर धूप में बाहर ना निकलें। नींबू पानी का सेवन करते रहें और पानी ज्यादातर पिएं। आप देख रहे हैं बल्लमगढ़ ब्यूरो रिपोर्ट। किस तरह की मरीज आ रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे इस मौसम के अंदर अब जो हो गर्मी मौसम शुरू हो चुका है, तापमान बढ़ता लगातार जा रहा है, उससे हमारे पास जो पेशेंट्स हैं यूजली एक्चुअली बच्चे और जो बुजुर्ग जो हैं पेशेंट्स, ठीक है, वो ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन की, उल्टी की, दस्त के पेशेंट्स और उनको ज़्यादा आ रहे हैं। तो कितनी संख्या माने? देखिए, इसकी जो संख्या है हमारे पास OPD में भी बढ़ी हुई है और साथ साथ में जो हमारे पास जो सेवाएँ हैं उसमें बढ़ी हुई है। जिस तरह से पहले की संख्या की बात करें, आपकी संख्या लगातार कितनी बढ़ चुकी है? जैसे कि देखिए, अगर आप ये समझें कि पहले हमारे पास एमरजेंसी के अंदर ये 30 रोज एक टैंक के अंदर 30 से 40 पेशेंट आते थे, तो उससे 50-60 के आसपास बढ़ोतरी हो गई है। और ऐसे OPD के अंदर जो हमारे पेशेंट मानी सपोज एक OPD के अंदर 100 पेशेंट आते थे, तो उसमें बढ़ोतरी हुई 150 या 200 के आसपास पेशेंट आने शुरू। तो किस तरह के मरीज आ रहे हैं? मरीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस मौसम के अंदर एक तो डिहाइड्रेशन, उल्टी, ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो लोगों को किस तरह से अपील करेंगे घर से बाहर निकले या? देखिए, मेरी अपील पब्लिक से यही है कि आजकल के मौसम में अगर सबसे पहले कि बच्चों को पूरा ध्यान रखें, जो स्कूल में छुट्टियाँ चल रही है उनको बाहर ना बिल्कुल आने दें, ठीक है ना, और उनको गर्मी से बचाव रखें। बाकी जो घर के अंदर जो लिक्विड्स वगैरह हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं अपने यूनिट जो उसको ढक के रखें, मास्क वगैरह लगा के भी रखें, और साथ में धूप से गर्मी से बचाव के लिए अपना साथ में कोई पेयजल वगैरह या लिक्विड जो है साथ लेके चलें।